एम्स्टरडम में थर्ड डे। वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग एक्चुअली निकल रहे हैं एक जगह जिसका नाम है जैनसन्स कैन। वहाँ पे विंड मिल्स वगैरह एक टूर ले रखे हमने, लेकिन अभी हमें पहुँचना है भाग के बस के लिए। 7:36 की बस है, अभी हो रहे हैं 7:30 और बस स्टॉप पहुँचने ही वाले। तो फाइनली वी मेड इट टू द बस, दैट्स अ गुड थिंग। यहाँ पे एक चीज़ नोटिस किया है कि अगर आप पेपर वाला टिकट जो है वो लेते हो या फिर ई टिकट लेते हो मोबाइल से, ऐप है यहाँ का, मैं लिख दूंगा नीचे, उसमें प्राइस डिफरेंस है। तो इट्स बेटर टू गो फॉर ऐप, क्योंकि वो पेपर यूज होता है तो शायद इसलिए इन लोगों ने कॉस्ट पता नहीं, वो नॉट श्योर। एक बंदा बिल मिला था हमें तो बोला कि शायद ये एक रीज़न हो सकता है कि पेपर यूज़ कर रहे इसलिए महंगा, बट दिस इज बिट वियर्ड। इसमें जब हम घुसते हो तब उसको ऐसे ग्रीट करना होता है हाय, जब बाहर निकलते हो तब बाय, और ऐसे बोलना होता है कि मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आप हमने इस बस में जगह इतना नहीं, हाय बाय। स्वीडन में ये सब नहीं होता। तो थर्ड डे की शुरुआत में हम लोग गए जैनसन्स कैन एम्स्टरडम सेंट्रल से। वहाँ पे बहुत सारे विंडमिल्स आपको देखने को मिल जाएगा। नॉट रियली श्योर वो सारे विंडमिल्स वर्किंग है कि नहीं, बट वो जो विंडमिल्स वहाँ पे है वो थोड़ा डिफरेंट है, बहुत ही डिफरेंट है। अभी आप जब नेदरलैंड्स घूमने जाओगे तो जितनी सारी विंडमिल्स देखोगे जो अभी वर्किंग है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करके है, और ये बहुत पुरानी विंडमिल्स है। तो यहाँ पे भी है विंडमिल और यहाँ पे अच्छा व्यू, और ये सुंदर, दिस लुक्स गुड। तो ये जो विंडमिल है नेदरलैंड्स में जब बना था तो रशिया से एक बंदा है, उसका नाम है पीटर, ठीक है। दूसरे कंट्री से भी लोग जानना चाहते थे कि कैसे ये बन रहा है, तो वो पीटर आके यहाँ से सीखा था रशिया से और वहाँ जाके इम्प्लीमेंट करा था, तो इसलिए उसको द ग्रेट पीटर बोला जाता है। ऐसा लग रहा है जैसे स्कूल के पिकनिक पे आए हैं, मैडम के पीछे पीछे चल रहे हैं लाइन में, भटकना नहीं है। सर आगे जा रहे हैं। तो यार हम लोग अभी आए हैं क्लॉग फैक्ट्री, जो वुडन शूज़ वगैरह यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है, तो वो देखने चार चीज़ें हैं, और एक तो क्लॉग फैक्ट्री का डेमोन्स्ट्रेशन, उसके बाद है चीज़ फैक्ट्री, उसके बाद हम जा रहे हैं वॉफल यहाँ पे बनता है वो भी देखने कि कैसे बनता है, और चीज़ ट्राई करने के लिए भी देंगे हमको, और क्या था, और एक बोट राइड है जो हमने ले लिया फाइनली। जो लोग नहीं लिए वो लोग बस से ही जाएंगे चीज़ फैक्ट्री, हम लोग बोट से जाएंगे। जो जगह है ये एक आइलैंड है, इसका नाम है मार्केन। एम्स्टरडम घूमने आ रहे हो, ओनली एम्स्टरडम सिटी प्लान मत करो, अगर आप पार्टी वार्टी करना चाहते हो ठीक है, लेकिन बाहर भी एक दो दिन विलेजेस और नेचुरल ब्यूटी के लिए जरूर रखना चाहिए। जरूर रखना, इट्स सो ब्यूटीफुल। यहाँ की डिटेलिंग देखिए, जूतों में पौधे उगे हुए हैं, वहाँ पे बाल्टी एक टंगी हुई है। तो अभी हम लोग चल पड़े हैं बोट राइड की तरफ और बहुत सारे लोग जा रहे हैं, लेट्स गो। यहाँ का जो व्यू है देखो शानदार, एक ऐसा भी पॉइंट है जिसको खराब बोल सकते हैं। नेदरलैंड्स के बारे में और एक चीज़ आप लोगों को अगर बताऊँ तो यहाँ पे इंग्लिश बहुत लोग बोलते हैं, सबको इंग्लिश ही बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं इसलिए इंग्लिश को प्रिफर करते हैं, और इवन ड्राइवर जो कोई भी, जैसे बाहर हमें कोई मिल गया तो इंग्लिश, वो एक अच्छी चीज़ है। स्वीडन में हम लोग वो चीज़ बहुत मिस करते हैं। तो ये रही हमारी बोट जिसमें हम लोग जा रहे हैं, तो हम लोग अभी बोट पे हो गए हैं विराजमान, बोट चलने वाले जा रहे हैं। अभी कुछ इस तरह से face up,
अभी हम लोग पहुंच गए हैं वॉलेंडम। तो कैमरामैन अनुराग के साथ आशुतोष। अनुराग कैमरा पकड़ो। तो अभी चीज़ फैक्ट्री में एंटर कर रहे हैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। लेट्स गो। निहल यहाँ की जो So my friend Chandan, this is not for you. तो यहाँ पे अभी चीज फैक्ट्री में डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। लेट्स सी क्या बोलते हैं। 300 liters of fresh milk over there in the container. This machine will heat this milk up until 30 degrees Celsius. अरे चंदन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे वेगन चीज नहीं है, जुगाड़ लगा है हम लोग। वेगन चीज भी है। हाँ, यहाँ पे चल रही है चीज की टेस्टिंग। नेहल जा कैसा है? कैसा लगा? क्यूमिन फ्लेवर। क्यूमिन बहुत अच्छा। क्यों दीपिका कैसा लगा चीज टेस्ट किया तुम लोगों ने? क्यूमिन ले रहे हो ये? अभी तो बस ट्राई कर रहे हैं। ये ट्राई करो स्मोक्ड। स्मोक्ड खाओ। एक चीज गार्लिक और ये प्लांट बेस्ड। बारिश स्टार्ट हो गई, अभी धूप थी, बारिश हो रही है। बट अभी हम लोग जा रहे हैं वॉफल फैक्ट्री, कैसे वॉफल वगैरह बनता है वो देखने। मैं कैमरे को रखता हूँ अंदर वरना फोन मेरा हो जाएगा। सर कुछ ज्यादा ही टेस्ट, बहुत ज्यादा टेस्टी है, जरूर ट्राई करना यहाँ पे आके। तो अभी हम लोग खड़े हैं वॉफल स्ट्रूप वॉफल करके है टेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। वॉफल के डेमोन्स्ट्रेशन के लिए दिस इज अ स्ट्रूप वॉफल डो एंड द रेसिपी द इंग्रेडिएंट्स आर फ्लावर बटर लुक वार्म मिल्क यीस्ट वन एग एंड आल्सो सिनेमन एंड दैट्स हाउ दे मेड द स्ट्रूप वॉफल। The traditional flavor is caramel, but what makes it special and unique is the cinnamon that's inside the soup. हम लोग पधार चुके हैं वॉफल टेस्ट करने के लिए। एक समय यहाँ से लेता हूँ। Caramello, caramello. यहाँ पे तो मतलब हमारा ये जो टूर है बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा, मतलब सब कुछ हमने एंजॉय किया बहुत अच्छे तरीके से। मतलब आने जाने की टेंशन नहीं थी। आई थिंक टूर करना ठीक है, मे बी शायद एक्सपेंसिव हो पता नहीं, बट बहुत मजा आया। आज हमने क्या क्या मौसम देख लिया। बारिश हो रही थी सुबह, फिर विंडी, फिर अभी मतलब धूप, अभी ओले गिर रहे। तो फाइनल ट्रिप हो चुकी है हमारी खत्म, ऑलमोस्ट खत्म। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने एयरबीएनबी ले रखा है यहाँ पे रिलैक्स करेंगे, फिर सुबह सुबह निकल जाएंगे एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि हमारी अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट है 6:50। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो जो है पसंद आई हो हमारी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो अनुराग क्या करना है? लाइक करना है। चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए बाय। क्यों भाई तुम तो फोटो लेने नहीं वाले थे? अरे मैं तो बता रहा हूँ फोटो कैसे पोज बता रहा हूँ।